नबील क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ नबील को भूत चलो मैं नबील हूँ मैं भूत थोड़ा हूँ यार नहीं नहीं नबील इधर देखो नीचे क्या क्या है क्या भूत क्या भूत ये तो माजी और महमूद साहब है यार ओ यार मामू साहब आप हमारे बेड के नीचे क्या कर रहे थे स्क्रू टाइट कर रहा था अरे भाई सो रहा था और क्या कर रहा था ये क्या मजाक है महमूद साहब ये मजाक नहीं महमूद है रुकिया खूबसूरत माजी थैंक यू तूने मुझे खूबसूरत कहा यार आप दोनों को मियां बीवी के कमरे में सोते हुए शर्म नहीं आई अरे इसमें शर्म की क्या बात है हम दोनों भी तो मियां बीवी हैं क्यों मोमो बिल्कुल ठीक कहा आपने महमूद हम दोनों भी महमूद हैं जरीना यार लेकिन आप दोनों हमारे कमरे में सो क्यों रहे हैं भाई क्या आपके कमरे ने आप दोनों को कमरे से निकाल दिया है अरे गर्मी ने हमें कमरे से निकाला है हमारे कमरे का एसी नहीं चल रहा हाँ वहाँ बड़ी गर्मी थी मुझे और मसूद को भी बहुत गर्मी लग रही थी इधर बड़ा ठंडा है यार नबील जरा मेन स्विच जाके देखो इनके कमरे का फ्यूज ट्रिप हो गया होगा ओ यार चले महमूद साहब चल के मेन स्विच देखते हैं यार मैं मेन स्विच बहुत दफा देख चुका हूँ अब जाके तुम खुद देख लो मैं बस चल रहा हूँ यार चल रहा हूँ देख चुका हूँ तुम अपनी नींद पूरी कर लो आओ आओ चले नबील अरे इसे देख के हिप्नोटाइज नहीं करना महमूद साहब खूबसूरत ने इसे देखने को कहा है अरे मुझे देखने को कहा है मैं नहीं देख सकता जब भी मैं कोई गलीज चीज देख लेता हूँ ना तो मुझे उल्टियाँ आती हैं उल्टी अरे लेकिन ये बोर्ड गलीज कहाँ से हो गया भाई माफ कीजिएगा मैं आपकी बात कर रहा हूँ अरे मैं तो दिन में दो मरतबा रगड़ रगड़ के मुंह धोता हूँ एक तो माशाल्लाह मुंह इतना बड़ा है दो दिन तो उसको रगड़ने में लग जाते होंगे और आप पहली बार मुतमईन ही नहीं होते अरे यार खोल कर देखो तो सही खराबी का पता चले आपका मुंह अरे अल्लाह का नाम माने यार आपका मुंह खोलने में मुझे कई दिन लग जाएंगे अरे मुंह नहीं दीवार पे लगा हुआ ये बोर्ड ये ना ना भाई मुझे करंट लग जाएगा ये नहीं लगेगा ना यार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मैं बोर्ड खोलने लगा हूँ आप मुझे पकड़े रहिएगा हाँ 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 ये ले पकड़े हाँ चलो चलो शाबाश पकड़ा हुआ है ना क्या क्या हुआ है करंट लगा है नहीं अरे तो फिर झटका किस चीज का था खौफ खौफ यार वैसे बोर्ड तो खुल गया है देखो तो जरा अंदर महमूद साहब साफ सुथरा खूबसूरत लग रहा है तारे भी लगी हुई हैं इसमें यार वैसे ये तारे लगी हुई बड़ी अच्छी लग रही हैं क्या ख्याल है महमूद साहब बोर्ड के साथ एक तस्वीर ना बनवा ले मेरा तो ख्याल है नबील सेल्फी लेते हैं बैकग्राउंड में ये बोर्ड भी आएगा डन ना महमूद साहब डन बोर्ड आ रहे जी अब क्या कर रही हैं देख नहीं रही देख के दे रही हूँ तुझे बदसूरत खूबसूरत माजी हाँ पता है मैं खूबसूरत हूँ बहुत और अगर आपने आइंदा मुझे बदसूरत बोला ना आप बेशक कमरा छोड़ के चले जाना आए हैं वकील और नमरूद आ गए माशाल्लाह नबील और महमूद लो जी इनका नाम नबील और महमूद ओ क्या हुआ नबील मेन स्विच देखा तुमने जाके बोर्ड देखा हाँ जानू हमने घुस घुस के देखा है बल्कि उसके साथ सेल्फी भी बनाई है बहुत अच्छी आई है देखोगी जानू नबील तुम फॉल्ट देखने गए थे या सेल्फियां लेने हाँ तो होती है यार अरे भाई सारे तार वार बिल्कुल ठीक ठाक लगे हुए थे हमें तो कोई फॉल्ट नजर नहीं आया हाँ तो कैसे नजर आएगा आप वो तो नहीं है ना क्या अंधे नहीं वो जो दस्ताने पहन के काम करते हैं कातिल नहीं नहीं वो जो खम्भे पे चढ़ जाता है ना बंदर अरे बिजली वाले का कह रही है माँ जी यार अच्छा 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 इलेक्ट्रीशियन हाँ हाँ आप इलेक्ट्रीशियन तो नहीं है तो फॉल्ट कैसे नजर आनी थी आपको मुझे लगता है मैं बिजली वालों को कम्प्लेन करनी होगी किस बात की क्या हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है ओहो नहीं भाई जो फॉल्ट हुआ है उनसे जाके कहो कि हमारे घर में फेज नहीं आ रहा ओ जानू फेज इतना बड़ा होता है कि हमारे घर में आ नहीं सकता नबील मैं डिफेंस के फेज की बात नहीं कर रही हूँ बिजली के फेज की बात कर रही हूँ जाओ जाके कम्प्लेन करो हाँ तुम दोनों कम्प्लेन करो तो मैं अमरूद थोड़ा सा आराम कर ले ओ माँ जी अमरूद देखे यार ये तरबूज कहे इनको तरबूज मिलाओ यार बैल जा रहे
अरे बैल जाता है, मुजक्कर है मुजक्कर। मैंने कौन सा उर्दू अकेडमी में फोन कर लिया भाई, एक सेकंड उठा लिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा फेस चला गया है। कहाँ चला गया? ओ भाई फेस, बिजली का फेस की बात कर रहा हूँ। एक कमरे में बिजली नहीं आ रही मेरा भाई। भाई आपके एक कमरे में नहीं आ रही, हमारे तो पूरे ऑफिस में नहीं आ रही। ओ भाई ये बिजली वालों का ऑफिस है ना, हमें क्या फोन में करंट लगा के पक्का करूँ कि ये बिजली वालों का ऑफिस है? अरे लाओ इधर मुझे दो, मैं इनका तबाह ठीक करता हूँ। हेलो, हाँ देखो फौरन हमारी बिजली ठीक कर दो, वरना वरना क्या मैं करना दोगे? नहीं मैं आग लगा दूंगा अपने घर को। अभी तुम्हारे ऑफिस आके आग लगा दूंगा। अबे फोन नहीं रखना, आ रहा हूँ अभी। अबे बावले हमारा दफ्तर तो पहले ही आग हो रहा है, बिजली नहीं है ना। अच्छा एक काम करो, जब आओ ना तो दो चार चार्जिंग फैन लेते आना, और अगर वो भी ना मिले तो भाई दस्ती पंखे लेते आना खुदा के वास्ते। अरे यार आ जाओ हमारे घर, बिजली ठीक कर दो यार। अबे भाई हम नहीं आ सकते, बताया तो है कि यहाँ भी बिजली नहीं है। अरे तू हमारे घर की बिजली को ऑन ठीक करेगा यार? प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन बुलवा लो, हमने भी वही किया है। खुदा हाफिज। क्या हुआ महमूद साहब, बिजली वाले नहीं आ रहे? अरे वो कह रहे हैं कि मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवा लो, हमने भी यही किया है। महमूद साहब ये बात पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? नबील इसके लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके बालों की तरह क्या आपका दिमाग भी फारिग हो गया? ये बात जाके खूबसूरत को बताओ। यही बात कि आपके बालों के साथ आपका दिमाग भी फारिग हो गया है? अरे नहीं यार, जो बिजली वालों ने बताया है। माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जा रही? इसलिए कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और मुझसे आप बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ तो तू कमरे से चली क्यों नहीं जाती? ये मेरा कमरा है माँ जी। तेरा नाम लिखा हुआ इधर, किधर लिखा हुआ बताओ? महमूद नहीं लेगा, पैसे लेगा। ओ माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है यार, प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन बहुत पैसे लेगा यार। मैं दे दूंगी पैसे, तुम बुलाओ तो सही और माँ जी को यहाँ कमरे से बाहर निकालो। खूबसूरत मैं फिर एक बार बता दूँ, ये मेरी माँ है। तो मैंने कब कहा फुप्पो है, मुझे आराम करना है यार। अच्छा ये बात है। अब माँ जी आपके कमरे का एसी चल रहा है? हे एसी चल रहे हैं? हाय मसूद एसी चल रहे हैं? महमूद ने महमूद नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है। अरे यार बिजली तो है नहीं है, एसी कैसे चल सकता है? नहीं अभी दील ने मुझे कहा है ना कि आपके कमरे का एसी चल रहा है। ओ माँ जी मैं तो आपसे पूछ रहा था कि भाई आपके कमरे का एसी चल रहा है। महमूद साहब आप प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। हाँ हाँ बुला लेते हैं, एक नंबर है मेरे पास। कैसी बात है जानू, दो नंबर आदमी के पास एक नंबर है। आए चलो। मैं बिजली हूँ। कल रात से कहाँ गायब थी, हमारा एसी भी नहीं चल रहा। मैं वही तो ठीक करने आया हूँ। बिजली? नहीं वो तो मैं खुद हूँ। तो फिर तू सही क्या करने आया? बिजली? तू मुझे पागल समझ रहा है, बिजली तो तेरा नाम है। हाँ और मैं वही ठीक करने आया हूँ। ना तेरे आसार देख के तो नहीं लगता कि तू ठीक हो सकती है। मुझे सब यही कहते, मैं ठीक नहीं हो सकता, बिजली ठीक नहीं हो सकती। रोनी रोनी शाबाश, कौन कहता है बिजली ठीक नहीं हो सकती? आज से तू मेरी सहेली है, आ जा मेरे साथ। अरे ये कौन है मोमो? नहीं ये मोमो नहीं है, ये मेरी सहेली है बिजली। बिजली? बिजली? अरे इसके तो अपने तार शॉर्ट लग रहे हैं, ये बिजली कैसे हो सकती है? ओ माँ जी हम तो इलेक्ट्रिशियन का इंतजार कर रहे थे यार, और आप क्या उठा लाई हैं? मैं ही तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा नाम बिजली है। बिजली है ना? बिजली? ओ भाई तुम्हारा तो अपना फ्यूज शॉर्ट लग रहा है। लगता है सिर्फ न्यूट्रल आ रहा है। भाई आप इनको छोड़े, हमारे घर का एक फेज नहीं आ रहा, आप प्लीज जल्दी से चेक करें। फेज को छोड़िए, मैं आपकी लिपस्टिक ठीक कर देता हूँ। नहीं जी नहीं प्लीज रहने दे। ओ भाई तू बिजली ठीक करने आया या मेकअप ठीक करने आया? चल मेरे साथ। कहाँ? डेट पे? नहीं गेट पे, मेन बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। तो चलिए ना। रुको मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम दोनों को अकेले भेजना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इनसे दूर रहना, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। अरे चलो बिजली, बिजली भी तो ठीक करनी है। चलो चलो चल 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 चल। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? वो चिचोरा मेरी सहेली को पटाने के लिए ले गया। बात ओहो
सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के किथोर माही किथे रह गया सानू नाराल मुबारक हो मुबारक हो मुबारक अरे बिजली बहाल हो गई मैं तो बेहाल हो गया बहुत मेहनत का काम है ना भाई जितनी मेहनत से बिजली ने बिजली ठीक की है ना इसको कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलना चाहिए ऑस्कर ऑस्कर दे देते हैं ऑस्कर इसको हॉकी पर आके देते हैं ना मुझे ऑस्कर नहीं चाहिए मुझे पैसे दे दे मेरे मैंने मेहनत बहुत की है कितने पैसे देने हैं तुम्हें जानू सिर्फ 5,000 5,000 तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वीर इसका दिमाग ठीक होता तो तेरे जैसी कंजूस से शादी थोड़ी करता वाह माँ जी वाह आपने मेरे मुंह की बात छीन ली चल अब नबील ओके जानू मेरे पैसे हाँ हाँ जानू पूरे 5,000 अरे 5,000 क्यों भाई इसने हमारे घर की बिजली ठीक की है या पूरे मोहल्ले की अगर बिजली को 5,000 रुपया ना दिए ना तो इसके साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी हाँ जी जानू दे दो ऐसे लोगों की बतवा गोली से भी तेज जाके लगती है महमूद साहब वैसे आप बहुत महान आदमी है ये मेरा आदमी है और जानू पैसे देकर इसको फारिग करो मुंह पे मारो इसके पैसे यार दो यार पढ़ भाई पढ़ थैंक यू वैसे मैं फेशियल ना बहुत अच्छा करता हूँ फेशियल कर दूँ वो ही फ्री में कर दूँ आपका नहीं बहुत शुक्रिया ओए कभी जिंदगी में अपना कर फेशियल चल निकल बे इसको निकाल के बड़ी इज्जत के साथ मैं तो कहता हूँ महमूद साहब इसको 4-5 तोपों की सलामी ना ईंटे पहुंचा के आए जो मजदूरी मांग रहा है ओए, तेरा क्या ख्याल है एक ब्रेकर ऊपर करने के तू 5,000 रुपए लेगा शराफत से पैसे निकाल मिया ये शराफत कौन है अरे ओ फ्यूज बल्ब के हिलते हुए एलिमेंट नबील के ज्यादा मुंह ना लगना मैं क्यों लगूं इनके मुंह मैं क्या लिपस्टिक हूँ अबे ये बड़ा जालिम आदमी है कच्चा चबा जाता कच्चा आदमखोर है क्या ओए पैसे निकालता है वरना मैं दे देता लेकिन मेरे पास खुले पैसे है नहीं अरे पूरे बंधे हुए चाहिए हमें खुला हम तुझे देंगे और मेरा ख्याल में महमूद साहब इसको 150 रुपया दे देते नहीं नहीं बेचारे को 200 तो दो ना कम से कम अच्छा चलो ठीक है जल्दी से दे और भगाए इसको यार जाहिर है भाई बिजली आपके कमरे की ठीक की है तो आप ही देंगे ना अच्छा यार चल बे निकाल 5,000 रुपया निकाल 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 ये ले ये ले हाँ ये ले अबे दो इधर दो ना अरे कर लेते हैं महमूद साहब कर लेते हैं आए आए चल निकल बिजली से पंगा अब देखना बिजली करती क्या है ओ ठंडी हवा आ रही है हाँ आप स्वेटर पहन लिए आपको नजला हो जाएगा महमूद महमूद हाँ महमूद हो जाएगा अरे मोमो इतनी भी ठंडक नहीं है यार वैसे शुक्र है हमारा एसी ठीक हो गया अल्लाह का शुक्र है अब हम दोनों आराम से सोएंगे शुक्र है उनके कमरे का फेज आ गया वरना अभी तक हमारे कमरे पे कब्जा जमाया होता हाँ जानो मुझे महमूद साहब की यही आदत बुरी लगती है ये आदत महमूद साहब की नहीं है माँ जी की है मुमसोरा क्या है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जानू कब्जा करने की आदत माँ जी की ही है दुआ करो अब कोई मसला ना हो भाई आपको मसला होगा भी ना तो मैं दरवाजा अंदर से लॉक कर लूंगा मसला भी बाहर महमूद साहब और माँ जी भी बाहर अच्छा यार एसी तो चलाओ बहुत गर्मी हो रही है वो जानू कर देता हूँ यार क्या है भाई जानू ये एसी की जानू मुझे लगता है हमारे कमरे की बिजली चली गई है जानू क्या हाँ मवाज साहब अरे क्या हुआ है नबील ओ यार हमारे कमरे का फेज चला गया अरे टहलने क्या होगा आ जाएगा भाई ओ यार बिजली का फेज भाई हमारे कमरे की बिजली नहीं आ रही ना 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 नबील लगता है बिजली ने बद्दुआ दे दी बद्दुआ क्यों देगा पूरे 5,000 रुपए दिए उसे हमने बद्दुआ देने के नबील कुछ भी करो लाइट का प्लीज अब क्या कर सकते हैं जानू बद्दुआ तो लग गई ओहो नबील बिजली का कुछ करो अरे उसका कुछ नहीं हो सकता वो तो पैदाइशी फॉल्ट है महमूद साहब लगता है मीटर में दोबारा कोई मसला हुआ है यार आप बिजली को फोन करें यार नबील किस मुंह से फोन करूं यार महमूद साहब इतना बड़ा मुंह जो है आपका उससे करें यार अच्छा यार करता हूं करे जानू टेंशन नहीं लो थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी जानू
जी फरमाइए। बिजली कैसे हो तुम? घर के किसी सॉकेट में हाथ डाल दे, पता चल जाएगा कि कैसी हूँ मैं। यार तुम तो नाराजी हो गए। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद मुझे फोन करने की आपको हिम्मत कैसी हुई? क्या करें यार, वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे नाराज क्यों हो रहे हो यार, मैं तुम्हें नहीं नबील को गधा कह रहा हूँ। बहुत ही चला के मेरे नाम पे 5,000 रुपए लिए और खुद रख लिए। देखो अब मैं तुम्हारा हक ना तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा, जैसे पिछली बार दिलवाया था 200 रुपए। नहीं यार पूरे 5,000 रुपए दिलवाऊंगा, फिक्र नहीं करो तुम। फिक्र तो करना ही पड़ेगी, पैसे मैं एडवांस में लूंगा। हाँ अच्छा यार चलो ठीक है, तुम आओ तो सही। आ रही हूँ मैं, फिर पैसे खा जाएगा। ये तो सादा मजाक ही हो रहा था, ऊपर से नाराज हो रहा है। ये बाटे भीख भी मांगता है मूसा? भीख नहीं, एडवांस निकालो और वो भी पूरे 5,000 रुपए। 5,000? जी इन्होंने कहा था कि आते ही एडवांस मिल जाएगा। मेमू साहब हाँ दे दो वरना खूबसूरत तुम्हें घुमा के देगी। ओ मेमू साहब बड़ी मुश्किल से टोपी करा के 5,000 कमाए थे यार। अरे तो तुमने कमाए थे ना, हमें कौन सा हमारा हिस्सा मिला है। तुम दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं चला। अरे रुक रुक रुक, ओ भाई हमारा फेस ठीक कर यार। अबे अबे ये फेस नहीं यार, फेस बिजली वाला फेस ठीक कर भाई। तो फिर एडवांस निकालो। दे दो नबील, इस दफा तुम्हारे कमरे का फेस उड़ा है। ओ यार दे रहा हूँ यार। दो दो दे देना। ओ दे रहा हूँ भाई दे रहा हूँ, ले लेना। चला यार इतवार नहीं तेरा। अच्छा चल चल मार चल ना। मार मार जान दे दिया पैसे जान। यार ये क्या किया महमूद साहब? अरे मैंने क्या किया है भाई, इसको खुद बिजली का झटका लगा है। वो झटका तो ये पहले था, अब तो लगता है ये मर गया है यार। हाँ जिंदगी के कोई आसार नजर तो नहीं आ रहे। तो यार महमूद साहब कितने घटिया हैं आप, चंद पैसों के लिए आपने एक आदमी की जान ले ली यार। अरे चंद पैसों के लिए नहीं, पूरे 5,000 के लिए। अब इसकी लाश कर क्या करना है? लंच के लिए रख लो। अरे बेवकूफ आदमी, इसे फेंक दो या बेच दो। ओ भाई शहर में कौन लाश खरीदता है यार, उठाए से। अरे कैसे उठाऊं से भाई, ये मर चुका है। ओ भाई लाश उठाए अंदर लेके चले यार। अरे लेकिन अंदर तो खूबसूरत और मोमो है। तो पहले उन्हें उठाए। अरे मेरा ख्याल है कि इसे उठा के अंदर सोफे पे बिठा देते हैं। ओ यार ये लाश है या मेहमान है आपके ससुराल से आया हुआ जो इसे सोफे पे बिठा रहे हैं यार। चलो चलो उठाओ उठाओ उठाए यार इसको उठाए। अल्लाहु अकबर। यार महमूद साहब बंदा मरने के बाद इतना भारी क्यों हो जाता है? नबील ये तो मरने के बाद पता चलेगा ना, इसे देखो तो सही मरा है या जिंदा है। ओ यार मैं उस डॉक्टर को फोन करता हूँ यार। अरे डॉक्टर बिना देखे कैसे बताएगा कि ये मरा हुआ है या जिंदा है। इससे क्या हो गया? ये बेचारा काम करते करते थक गया इसलिए सो गया है ना। मोमो इसे करंट लग गया है। करंट से तो चीजें जलने लगती हैं, ये मर क्यों गया? क्या ये मर गया? वही चेक करने के लिए हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। माँ जी करंट लगने से सड़ तो गया, देखे तो सही। तुम लोग डॉक्टर को करंट लगा के चेक करोगे? ओ माँ जी यार आप तो चुप ही करें ना। हाँ मामो तुम चुप करो, तुम मिलाओ ना डॉक्टर को जल्दी। मिला रहा हूँ मैं मूसा, मिला रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। और शायद 612 तेरा सीन आ गया है भाई, जल्दी आ। इसे बताओ इसे अब सीन के पैसे नहीं मिलेंगे या अब नौकरी पे लग गया है? हाँ भाई पैसा कोई नहीं मिलेगा, जल्दी आ जा। अरे भाई मैं तो कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, आप लोग बुला ही नहीं रहे। ओके ओके डॉक्टर आ गया, बल्कि दरवाजे पर है, मैं उसे लेकर आता। जाओ जाओ जाओ। अरे ये क्या लाफ्टर थेरेपी कर रहा है? ओ डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया है? अबे भाई कौन सीधा तो करो यार, मेरी तो हंसी भी नहीं रुक रही है। नबील ये जो निकल रही है ये इसकी हंसी है? हाँ जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब चेक करें ये मर गया या जिंदा है। नहीं भाई मुझे मुंहों से डर लगता है भाई, मैं चेक नहीं कर रहा इसको। ओ भाई चेक तो करे, हो सकता जिंदा हो यार। अरे लेकिन ये हुआ कैसे भाई? ओ यार ये बिजली की तारों पे काम कर रहा था, महमूद साहब ने इसकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की और उसका हाथ नंगी तार में लगा और वो मर गया। ओ भाई अगर ये मर गया है तो मुझे क्यों बुलाया है?
कफन दफन करने वाले को बुलाओ, मैं कोई मुर्दे नहलाता हूँ क्या? महमूद साहब, आपने इस गरीब की जेब से पैसे निकाले थे? अरे नहीं भाई, ये गरीब नहीं, ये अजीब है। अरे 5,000 रुपया जेब में रखने वाला कोई गरीब होता है भला? जानू, ये घटिया हरकत महमूद साहब ने की है और इनकी इसी घटिया हरकत की वजह से इसको करंट लगा है। ये तूने बड़ी गलत हरकत की है। ओ माँ जी, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए यार? और मैं तो 300 रुपए में छिपकली मार देता हूँ, ये तो फिर 5,000 रुपए के लपेटे में आया है। वशा वशी। देखे भाई, मैं इसको दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन 5,000 रुपए लगेंगे भाई। लो जी, 5,000 का फिर खर्चा आ गया। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, इसको होश में लाए, पैसे मैं दे दूंगी। बस ठीक है, अब देखे मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या वजू करने लगा? ओ भाई, इसको होश में ला रहा है, इसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ानी। भाई आप देखते जाए, मैं करता क्या हूँ? क्योंकि फिलहाल तो जूते उतार रहे, तू क्या मरे हुए को मारेगा जूते से, बेशर्म डॉक्टर? नहीं भाई, अब ये जूतों का काम नहीं है, अब मैं मोजे उतारने वाला हूँ। अपने अपने नाक बंद कर दे। अरे मोमो, इसके मोजे सूखे बंदा मर जाता है। नाक बंद करो, सब नाक बंद करो अपने। अरे भाई, सब ठीक भी हो जाता है। ये देखे मेरा कमाल, ये देख, ये ये अच्छा खासा मैं ख्वाब देख रहा था, मुझे लगा ऐसा कि मैं गटर में। महमूद साहब, वो ये तो मर गया है। ओ भाई, इसको जिंदा कर। नहीं भाई, ये बेमानती है, आपने कहा था एक बार ठीक करो, मैंने कर दिया। मुझे मेरे 5,000 रुपए चाहिए बस। महमूद साहब, इसको 5,000 नहीं आया।